पहली हथौड़ी है ये, ठीक है जी। ये बिल्कुल छोटा छोटा काम करने के काम आती है, सबसे छोटा काम जो कारपेंट्री का होता है। उसके बाद इसके बारे में मैंने आपको भी बताया, ये हैं दो हथौड़ी। इसका दस्ता भी छोटा है, कहीं अड़ ना जाए कील वील ठोकने के लिए, और इसका दस्ता थोड़ा बड़ा है। अब आपको हम बताते हैं बड़ी हथौड़ी के बारे में। ये है जी हमारी तकरीबन बड़ी हथौड़ी। कारपेंट्री के काम में इसको हथौड़ी बोलते हैं, वैसे तो बड़ी चीज़ को हथौड़ा बोलते हैं, लेकिन ये हथौड़ी ही के बीच में आती है, हथौड़ी है ये हथौड़ी। और ये है हथौड़ा, ये आता है तकरीबन सारे कामों में, कारपेंट्री में भी आता है और दूसरे कामों में भी आता है, वजनी कामों में, जैसा कि स्टील कील होती है, वो उस स्टील कील को ठोकने के लिए हमको मजीद उसकी ज़रूरत होती है, ये स्क्रू वगैरह ठोकने के लिए, स्टील कील ठोकने के लिए। इसका चुड़ान ज़्यादा है, इसको हम दीवार में ठोकेंगे लकड़ी रख। अभी हम आपको दिखाते हैं, जैसा कि ये हमने एक पट्टी दीवार में पक्की करनी है, ये ऐसे। अब इसको हमने सुराख करके यहाँ ठोका, ये छोटी हथौड़ी से नहीं ठुक सकती, ठीक है, इस हथौड़ी से ये नहीं ठुक सकती। इस हथौड़ी को हमने रख दिया, इस हथौड़ी से भी ये नहीं ठुक सकती। ये कील बड़ी है, स्क्रू बड़ा है, और ये जगह छोटी है, छोटी से ठोकेंगे ये टेढ़ी हो जाएगी। अब हम चलते हैं तीसरी हथौड़ी पर। ये है तकरीबन एक इंच के स्क्वायर गोल में, इससे हम इस चीज़ को ठोकना पसंद करेंगे। ये ऐसे रखी और इसको हमने, इसमें सुराख होगा, सुराख से इसको हमने आराम से ठोका और ये पूरी लकड़ी इसमें पक्की हो जाएगी, स्क्रू टूट जाएगा। चाहे ये स्क्रू है चाहे ये स्टील कील है, वो इस हथौड़ी का काम है, ठीक है जी। ये हथौड़ी का, इसका इस हथौड़ी का काम ये है। दूसरा, ये इस जगह काम आती है जहाँ पर ये चीज़ ना जा सके, जैसा कि कोई ये जगह देख लीजिए, ये जगह है, अब हमने इसको अंदर ठोकना है, तो ज़ाहिर है ये अंदर, ये तो ज़्यादा जगह है, कम जगह वाली जगह पे ये चीज़, ज़्यादा वाली पे ये और कम वाली पे ये इससे ठुक जाएगी। ये तीसरी हथौड़ी का आपको हमने बताया, ठीक है जी। ये हो गए तीनों हथौड़ियों का काम, अलहदा अलहदा है, कहने में तो ये तीनों ही हथौड़ी हैं, लेकिन इसका काम अपनी जगह है, इसका काम अपनी जगह है और इसका काम अपनी जगह है। ये तो तीनों ही कारपेंटर के काम के लिए मेन ज़रूरी है। इसको हम रखते हैं हथौड़ियाँ, ये इंची टेप और बुनिया इनका भी हो गया, इनको भी हम रखते हैं। अभी जैसा हमने आपको बताया, ये हथौड़ा है, ये तकरीबन सबके काम आता है, कारपेंटर के भी, बेसन के भी, मिस्त्री मजदूर, आम घर में भी कोई चीज़ वगैरह तोड़ने के, लेकिन कारपेंट्री की फील्ड में ये होना ज़रूरी है। किसी वक्त भी कोई बड़ी चीज़ वगैरह इससे काम में आता है ये, ठीक है जी। इसको भी रख देते हैं, ये हमारे तकरीबन 4-5 हज़ार हो गए।